CDS Academy, the most trusted institute in Nagpur for JEE NEET. दीक्षाभूमि स्मारक समिति के अध्यक्ष धम्मसेना नायक भदंत आर्य नागार्जुन सूरी ससाई ने कहा कि बाबा साहेब की जय जयकार करने के साथ साथ उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने और उनके विचारों को आत्मस्थान करने से जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंचा जा सकता है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मृति समिति दीक्षाभूमि शाखा उटकाना बुद्धिस्ट सेमिनार वर्धापन दिन के अवसर पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पूर्णाकृति प्रतिमा पूर्ण प्रतिमा का उद्घाटन भदन धम्मा सारथी द्वारा किया गया। भदन ससाई समर्पण समारोह के अवसर पर बोल रहे थे। स्मृति समिति के सचिव डॉक्टर सुधीर फुलझेले, डॉक्टर प्रदीप अग्वाले, NR सूते, एडवोकेट आनंद फुलझेले, भदंत नाग दीपांकर मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रशिक्षार्थियों को प्रमाण पत्र दिए गए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने भाइयों को सीखने, संगठित होने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। ससाई ने यह भी कहा कि इसी मंत्र के कारण ही समाज के सदस्यों में प्रकाश की किरण आई है। इस समय डॉक्टर सुधीर फुलझेले ने कहा कि उटखाना स्थित बौद्ध मदरसे को 1 साल पूरा हो गया है। इस अवसर पर बाबा साहेब की प्रकृति प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मदरसे के माध्यम से बुद्ध और बाबा साहेब के विचारों का प्रचार करना दीक्षाभूमि स्मारक समिति की भूमिका है। कार्यक्रम का संचालन अशोक जाम्बुलकर ने किया, वहीं धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर अग्वाले ने माना। इस अवसर पर भदंत धम्म सारथी, भदंत नागवंश, भदंत भीम बोधे, धम्म बोधि, भदंत नागसेन, भदंत मिलिंद, भदंत धम्म विजय, धम्मशील, धम्मविद्या, नाग प्रकाश भिक्कुनी, संघप्रिय, समता सैनिक दल के प्रदीप डोंगरे, बालकदास बागदे, रवि गजबिये सहित भिक्कु संघ उपासक आदि उपस्थित रहे। अनंत आर्यान सुरेश साई पार्क बहुत मोटा पार्क बहुत सुंदर आदि भी है। इसे नीतीश तो सेमिनार के साथ बहुत इम्पोर्टेंट का स्थान है। और NBCN न्यूज के लिए राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट। एनरोल नाउ, फॉर मोर डिटेल्स कॉल